सो है गाइस, कैसे हो आप? वो गली में तो मैं हूँ नहीं। जब भी आप कर लेते हैं ब्रेकफास्ट से ये है। सो है गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो एज यूजुअल 5:10 पर मैं उठ गया था। आज मैं 5 मिनट लेट हो चुका हूँ बिकॉज मुझे थोड़ी नींद आती है, तो मैं लेट आ रहा नींद भगाने के लिए। और फिर मैं उठा तो जैसे ही बाहर गया मौसम एकदम ठंडा हो रहा है, मौसम एकदम चेंज हो गया है, तो ठंड भी लग रही थी काफ़ी। फिर मैं कोलगेट वगैरह किया, उसके बाद अपनी मैट बिछाई। मैट के लिए मैंने एक पोस्टर यूज़ किया है, वो गली में से ही उतारा है मैंने। और सो सॉरी गाइज, इस बार और टाइम से भी ज़्यादा लेट हो गई वीडियो, तो माफ़ कर देना। तो गाइज अब मैं कर लेता हूँ अपना योगा। आज योगा में मैंने 6 टाइप के योगा किए हैं जो कि सिर्फ माइंड के लिए, और वो मैंने सब यूट्यूब से देख के सब सीखा है। सो गाइज प्रोफेशनल तो मैं हूँ नहीं। जब भी आप करो तो वीडियो देख के अच्छे से तब करना जैसे वो सिखाते हैं तब, क्योंकि योगा में भी ना इंजरी होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। और इन सब में सबसे हार्ड मुझे शीर्षासन लगा है। तो गाइस जैसा कि आपको पता है कि मौसम एकदम से चेंज हो गया है, तो मैं सुबह नहीं नहाता हूँ। पहले अपनी जो बिस्तर है उसको ठीक करने के बाद मैं करंट अफेयर उठा लेता हूँ। तो सुबह सुबह थोड़ा सा करंट अफेयर पढ़ेंगे, उसके बाद नहाएंगे। तो करंट अफेयर कंप्लीट करने के बाद मैं जाता हूँ नहाने। सो गाइस अब नहा धो के हो गया हूँ मैं रेडी फॉर स्टडी। बट अपनी स्टडी स्टार्ट करने से पहले मैं कर लेता हूँ प्रेयर। अब कर लेते हैं ब्रेकफास्ट। मेरा ब्रेकफास्ट होगा नमकीन और ये चाय, ठीक है। और जो मेरा फास्ट है वो फर्स्ट एंड लास्ट है, तो इसलिए पहले अपना ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद हम स्टडी करते हैं। गाइस अब कर लेते हैं अपनी स्टडी स्टार्ट। तो सबसे पहले बना लेते हैं अपनी टू डू लिस्ट आज की। तो इंग्लिश में जो मेरे आज के टारगेट है वोकेबलरी में वो है 31 वर्ड, 40 ईडियम्स और 30 सिनोनिम एंटोनिम्स। ये 100 हो जाएंगे। तो गाइस मैंने डिसाइड किया कि 100 तो करने ही करने हैं एटलीस्ट इन अ डे। और उसके बाद जो मेरा ग्रामर में टारगेट रहेगा वो है नाउन। प्रोनाउन करने वाला था मैं पहले, बट मैंने उसे काट के नाउन कर दिया बिकॉज नाउन पढ़े हुए मुझे काफ़ी टाइम हो गया। उसके बाद जो मेरा मैथ में टारगेट है वो है टाइम एंड डिस्टेंस। और आज मैं फुल मॉक दूंगा बिकॉज लास्ट टाइम एक भाई का कमेंट आया था कि फुल मॉक देना है, तो वो दे दूँगा। और जो जीके और जीएस में स्टैटिक जीके और हिस्ट्री में आज पढ़ने वाला हूँ, साथ ही साथ एक एडिटोरियल। तो गाइज टाइम हो गया 9:10। तो मैं सोच रहा हूँ कि सबसे पहले अपना फुल मॉक दे लेते हैं। लाइट भाग चुकी है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। मैं इस कैमरे को पीछे लेके जाऊंगा। तो जो आज का मॉक है मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा मॉक दूंगा, आइए। सो गाइज ये है 2023 के मॉक सारे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहले मॉक से। ये है सीजीएल 2023 17 जुलाई शिफ्ट 3 का पेपर, तो आज इसको देंगे हम, ठीक है। तो आइए मैं कैमरे को पीछे लेके चलता हूँ और अपना मॉक देते हैं, उसके बाद मैं आपको स्कोर शेयर करूँगा अपना। तो पहले आपके सामने स्टार्ट कर देता हूँ बिकॉज कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे फेक लग रहा है ये आपका मॉक। तो भाई पता नहीं तुझे क्या फेक लगता है। ये देखिए गाइस, आपके सामने ही स्टार्ट करूँगा। कुछ मेरे मिनट ही ख़राब हो जाएंगे मॉक में से, बट मैं आपके सामने स्टार्ट करूँगा। ये प्रेस मॉक का देख लेना। देखो स्टार्ट हो गया, ठीक है। और मैं कैमरा पीछे लेके जा रहा हूँ। ये देखो एक भी कुछ भी अटैम्प्ट नहीं कर रखा ना। तो गाइज ये मॉक ना मैं आपके सामने ही स्टार्ट करूंगा और आपके सामने ही मैं ख़त्म करने वाला हूं बिकॉज बहुत बुरा लगा मुझे सुन के कि भाई आपके मॉक में ना मुझे बहुत ज़्यादा फेकनेस नज़र आ रही है। तो गाइज मुझे नहीं पता कि उस मॉक में ऐसा क्या हुआ कि मेरे मार्क्स ना एकदम से इंक्रीज़ हो गए कंपैरेटिवली। वो मुझे लगा था कि वो ईजी मॉक था, तो इसलिए मेरे नंबर बढ़ गए। कोई नहीं गाइज, अब ये आपके सामने ही है जैसा किया है, आप देख लीजिएगा फेक या रियल। ये है मेरे मॉक का स्कोर 123.5। जो मेरे जो रीजनिंग में जो घट गए हैं ज़्यादा, उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा। हाँ मैंने तो सोचा था कि अच्छे मार्क्स आएंगे, बट मुझे लगता है गलती हो गई है। और जो मेरे जीएस में है वो बहुत ही कम मार्क्स है। जीएस में मुझे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। मैथ में और इंग्लिश पे मैं फोकस कर रहा हूँ ज़्यादा, तो इसी में मार्क्स इंक्रीज़ हो रहे हैं क्योंकि इंग्लिश में मैंने आपको पता है 30 डेज़ का चैलेंज लिया हुआ है, तो इसी में मार्क्स इंक्रीज़ हो रहे हैं। और जो इसमें मतलब मैं थोड़ा सा ढील छोड़ रहा हूँ तो ये कम होते जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि सारी चीज़ें एक साथ लेके चलनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि हम पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट को लेके चलें, बट ये है कि इम्प्रूवमेंट दिख रहा है गाइस। जो इसमें सबसे ज़्यादा इस जो मॉक था इसमें सबसे ज़्यादा ईजी इंग्लिश ही आ रही थी, जिसकी वजह से जो मेरे मॉक के मार्क्स हैं वो इंक्रीज़ हुए हैं इंग्लिश में। नहीं तो मैं 40 की उम्मीद कर रहा था बिकॉज मुझे टारगेट यही था कि मुझे 20 सही करने हैं चाहे कुछ भी हो जाए। तो वो उसकी वजह से ये ऐसा हुआ। और मैं आपको दिखा देता हूँ रीजनिंग में मेरे 3 गलती हो गए और 3 मैंने छोड़ दी थी। जीएस में मैंने वही अटैम्प्ट किया जो मुझे आए, तो मुझे 8 ही आए थे जिसमें से 5 गलत हो गए, तो ये भी नेगेटिव चला गया। और मैंने 16 अटैम्प्ट, इसमें मैंने ज़्यादा करे थे, हाँ 19 अटैम्प्ट करे थे जिसमें 3 गलत हो गए मेरे। और इंग्लिश में मेरा स्कोर अच्छा है बिकॉज मैंने इसमें सारे 24 अटैम्प्ट करे थे जिसमें से 2 मेरे गलत आ गए। तो गाइज़ ये है मेरा ओवरऑल स्कोर। और भाई एक तो ये मुझे समझ नहीं आता कि आपके सामने मोक देता हूँ, इसमें से फेक क्या कर दिया मैंने, या मैंने क्या कर दिया मुझे समझ नहीं आता। कि भाई का मैसेज आया था कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, तो भाई अब मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। आपके सामने एक लाइव मोक दे सकता हूँ, कभी मिलना तो लाइव दे दूँगा, कभी मीटिंग हुई तो, बाकी तो जिसको विश्वास करना होता है भाई इस पर कर लेगा। ठीक है, तो चलिए गाइज अब करते हैं अपनी नेक्स्ट स्टडी स्टार्ट, और इसको मैं रिव्यू करूँगा शाम को 5 बजे के बाद। ठीक है गाइज, तो चलिए। तो गाइज ये मेरी दवाई, इसको लेनी है बिकॉज मेरे जो मुंह में ना छाले हो रखे हैं और मुंह आया हुआ है, तो इसकी वजह से दवाई खानी पड़ रही है। इसमें से तो बिना पानी के लेनी पड़ती है, जीभ पे ऐसे रख के, और ये अपने आप में मेल्ट होती है। तो गाइज मोक मैंने दे लिया है, तो मैं सोच रहा हूँ कि लैपटॉप तो अभी खुला हुआ है तो एडिटोरियल अभी कर लेते हैं, उसके बाद मैं लैपटॉप ना उठा के रख दूँगा बिकॉज ये यहाँ पे बुक रखने की फिर जगह नहीं होती टेबल पे। और अभी मेरे लैपटॉप से काम नहीं है, और रीजनिंग का सेक्शन मोक आज मैं दूंगा नहीं बिकॉज जो कवर हो गया है इसमें, और बाकी मैं रिव्यू करूँगा उसको, तो क्योंकि मेरे उसमें जो मार्क्स हैं ना वो कम आए हैं, तो मैं उसको रिव्यू करूँगा, जो भी उसमें प्रॉब्लम हो वो देखूँगा। तो गाइज अब कर लेते हैं अपना एडिटोरियल। तो गाइज मोक देने के बाद मैं कर लेता हूँ अपना ये एडिटोरियल स्टार्ट। पहले ये करेंगे बिकॉज इससे मुझे काफ़ी इंप्रूवमेंट मिली अपनी इंग्लिश में। और ये जो एडिटोरियल है वो 13 अक्टूबर का है गाइज, तो थोड़ा पुराना है बिकॉज मुझे नया मिला नहीं। मैंने सर्च भी किया तो उसमें एक पेड वाला ऑप्शन देता है, तो उसमें जाके मे भी था, बट 13 अक्टूबर ज़्यादा पुराना नहीं है, तो मैंने इससे एडजस्ट कर लिया। मुझे बस इंग्लिश से इंप्रूव करने से मतलब है। तो गाइज एडिटोरियल करने के बाद मैं लेता हूँ 5 मिनट का गैप, जिसके साथ मैं जाता हूँ बाहर घूमने, थोड़ा टहल के आता हूँ। तो मैं गाइज ऐसे ही कर रहा हूँ फिलहाल, जो भी मेरा एक सेशन होगा उसके बाद मैं 5 मिनट का गैप लेके टहलने जाऊँगा। गाइज मैं ये बताना भूल गया कि अब ये मैं वोकेबलरी कर रहा हूँ, अपनी वोकेबलरी में मैं टारगेट्स आपको बता ही चुका हूँ। टाइम हो गया है 12:17, तो आप कर लेते हैं लंच बिकॉज मुझे लगी काफ़ी भूख, और उसके बाद अपनी स्टडी कंटिन्यू करेंगे। मैंने जो 3 टारगेट हैं वो पूरे हो चुके हैं, तो आगे की स्टडी लंच के बाद। तो आइए पहले लंच खा लेते हैं। गाइज वोकेबलरी करते करते मुझे 12:30 हो गए थे, तो मुझे भूख भी लगने लगी थी, और पर्टिकुलरली मैंने एक टाइम भी सेट किया हुआ है कि 12 से 1 के बीच में लंच कर लेना है। तो मैं फटाफट से हैंड वॉश करने के बाद अपने लिए खाना गर्म कर लेता हूँ, और गर्म करने के बाद अपना खाना खाएंगे और फिर अपनी स्टडी गाइज कंटिन्यू करेंगे उसको। तो खाना गर्म करने के बाद लेके चलते हैं अपना लंच को अपने रूम में, वहीं बैठ के अपनी चेयर पर खाएंगे बिकॉज अब इस चेयर से परमानेंटली तभी उठूँगा जब सिलेक्शन ले लूँगा। तो गाइज ये मेरा लंच, ये बीन्स और गोभी आलू की सब्जी और ये रोटी। तो चलिए फटाफट से अपना लंच फिनिश करते हैं, उसके बाद अपनी स्टडी करने के लिए। लंच मेरा हो गया फिनिश, तो अब अपने टारगेट्स देख लेते हैं कौन कौन से पूरे हो गए, उसके बाद देखता हूँ मैं क्या स्टार्ट करूँगा। तो ये मेरे टारगेट्स हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन से पूरे हो गए आज ये। सो गाइज इंग्लिश में वोकैब मेरी कंप्लीट हो गई है, ये मैंने कर लिया, ये मैंने कर लिया, ये मैंने कर लिया। मॉक फुल मैंने दे दिया है, एडिटोरियल भी मैंने कर लिया है, और इसका रिव्यू जो है वो मैं शाम को रात को जब मैं एकदम अपनी स्टडी और ब्लॉग वगैरह फिनिश कर दूंगा ना, तो उसके बाद मैं रिव्यू करूंगा। तो ये मेरे 3 चीज़ें बचती हैं, टाइम एंड वर्क डिस्टेंस मैथ में, और जो ये स्टैटिक जीके है, और ये हिस्ट्री, ये मैं पढ़ूंगा इसके बाद। तो अभी स्टार्ट करते हैं टाइम एंड वर्क से बिकॉज अभी खाना खाए ना तो नींद आ जाएगी। उस मैथ में जगह वो ना एक फ्लो बना रहता है, एक अर्जेंसी रहती है कि सवाल निकालना, कैलकुलेशन, तो माइंड ना अच्छे से वो आलस मोड में नहीं जाता है। तो पहले मैथ करते हैं उसके बाद बाकी चीज़ें। ठीक है, आइए। तो गाइज अब उठा लेते हैं मैथ, और मैथ में आज मैं करूँगा टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर की प्रैक्टिस, जो कि होगी 8000+ बुक से, जो कि है गगन प्रताप सर की। सबसे पहले मैं इसमें CGL के क्वेश्चन लगाऊंगा, उसके बाद CHSL के, और उसके बाद CPO के। MTS के क्वेश्चन मैं कुछ लगाऊंगा जिसमें से मुझे लगेगा कि जो मुझे रिलेटेबल लगेंगे वो करूँगा। तो गाइज मैथ हो गई कम्प्लीट, तो अब कर लेते हैं हिस्ट्री का सेशन। तो आइए पहले हिस्ट्री पढ़ते हैं, और अब यहाँ पे बैठे बैठे मैं थक गया हूँ तो चेयर पे बैठ के करेंगे। आइए। सो गाइस 10 मिनट का रेस्ट लेने के बाद मैं बढ़ता हूँ अपने नेक्स्ट टारगेट की तरफ, जो कि है हिस्ट्री। और हिस्ट्री मैं करने वाला हूँ न्यून पब्लिकेशन की बुक से, और जो इसमें मैं चैप्टर करूँगा वो है मुगल काल। तो आज मुगल काल सारा कंप्लीट कर लेते हैं जितना भी होगा सब, बट इसमें थोड़ी टाइम लिमिट मैंने रखी है कि मैं इसको 1-1.5 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ूँगा, और हुआ भी वैसा ही कि 1 घंटे 15 मिनट में ही कम्प्लीट हो गया। तो गाइज मुझे आ रही है काफ़ी ज़्यादा नींद, बिकॉज मैं सुबह सुबह उठा हूँ और हिस्ट्री पढ़ने के बाद ना बस ऐसी हो गया माइंड एकदम भारी भारी सा। तो मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगा आधे घंटे का, उसके बाद मैं अपनी स्टडी कंटिन्यू करूँगा। तो मैं अब 4:30 हो गया ना, तो मैं 5 बजे अपनी स्टडी कंटिन्यू करूँगा। उसके बाद मेरा एक ही टारगेट बचा हुआ है, उसको भी कंप्लीट कर लेंगे, वो है स्टार्टिंग। ठीक है गाइस, आइए गाइस, रेस्ट करने के बाद जो मेरी एनर्जी है वो वापस आ गई है। तो अब कर लेते हैं अपना नेक्स्ट टारगेट जो कि है स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके में आज मैंने पढ़ा सारी जनजातियाँ, जो जितनी भी जनजातियाँ हैं, एक एक जो पर्टिकुलरली अलग अलग स्टेट से बिलोंग करती है, तो सबको मैंने रटा है। अब बिकॉज याद करना काफ़ी मुश्किल है, बहुत ही अजीबोगरीब नाम है और सिमिलर से भी लगते हैं थोड़े थोड़े, जिससे कि इनको याद करना थोड़ा हार्ड पड़ जाता है, तो इसलिए मैंने इनको रटा है। सो गाइज, टाइम हो गया 6:10। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं, बिकॉज मेरे सारे टारगेट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं। एक टारगेट बचा है मेरा इंग्लिश का, उसे मैं कल करूँगा, बिकॉज अभी आज के लिए काफ़ी हो चुका है, मुझे अपना मॉक भी रिव्यू करना है। ठीक है, तो आज के लिए नहीं रखते हैं गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय व्लॉग। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अभी इस बार जो है ना काफ़ी लेट हो गया वीडियो आने में, तो मैं कोशिश करूँगा कि इस बार थोड़ा जल्दी लेके आऊँ दूसरी वीडियो भी। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। जय माता दी।